విశాఖలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप. बंगाल में हमारी लड़ाई होती है तो वह भी ममता और उसका भतीजा, और आंध्र में भी जब लड़ाई होती है तो पहले वाईएसआर, अब जगन मोहन रेड्डी. तमिलनाडु में भी उदयनिधि, पहले करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन. और यहां भी केसीआर, केटीआर, कविता, उसका बेटा, यही परिवार है और कुछ नहीं है, यह भी हमको समझना चाहिए. इसलिए परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, और आगे बढ़ने की दृष्टि से आप लोगों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए चले हैं. मुझे यहां यह भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी पैसा भेजते हैं वह पैसा धरती पर यहां तेलंगाना में केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं लगाती है, और इसीलिए इस सरकार को बदल डालना है और यहां कमल खिलाना है और कमल को खिला करके आगे बढ़ाना है. मित्रों, आज आपको जान करके आश्चर्य भी होगा कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा महंगाई अगर है तो वो तेलंगाना में है. यहां केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी संतुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. जब मैं तुष्टीकरण की राजनीति बोलता हूं तो मेरा मतलब उस बात से निकलता है कि गलत तरीके से, अनकंस्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किसी धर्म विशेष को रिजर्वेशन देना, उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाना, उसी तरीके से यह प्रस्ताव रखना कि 4% धर्म के आधार पर किया गया रिजर्वेशन उसको बढ़ा करके 12% कर देंगे. और इसीलिए यह जो बीआरएस है ना, भ्रष्टाचारी राक्षस सुलभ और समिति, इसको घर बैठाना है.